साथियों, ये फिल्म जो है जिसका नाम है लखनऊ जंक्शन, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। रज्जन यादव जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसरार भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरार भाई के एसोसिएशन में, और ये पूरी टीम विजय पाल जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पूरे कलाकारों ने, एक से एक लगभग 18-20 कलाकारों ने इसमें काम किया है। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और खूब सबका काम अच्छा लगे, फिल्म सबको अच्छी लगे, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब ट्रेलर देख के ही मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अप्रिशिएट करोगे। मैंने जितना भी देखा है, मुझे मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रैंडर के हिसाब से एक सिनेमा की जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें दिखाई दी, इसलिए हम इसको प्रमोट करने आ गए। लखनऊ जंक्शन ही समझ में आता है, नहीं बिलीव करो, पहली बार जब लखनऊ उतरा था तो चारबाग स्टेशन पे ही उतरा था, तो लखनऊ के एक एक गली में मुझे पैदल घूमने का खूब एक अनुभव हासिल है। राय उमानाथ बली से लेकर, रविंद्रालय से लेकर, गोमती नगर से लेकर, विधानसभा मार्ग से लेकर, शहीद पथ से लेकर, सीधे इमामबाड़ा भूल भुलैया तक कहीं भी जाएं, अगर न्यू यूनिवर्सिटी, हमने 40 दिन लखनऊ में खुद फिल्म भी बनाई है, मैं, मेरी पत्नी और वो, तो और पढ़ाई भी की है 92, 93, 94 में, तो लखनऊ से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। लखनऊ की अपनी एक खसूसियत है, लखनऊ की अपनी शाम है, तो लखनऊ का नाम आते ही 100% अंदर एक बहुत अच्छा भाव आता है कि जिस शहर ने हमें शाम से शाम कहना सिखाया उस शहर का नाम लखनऊ है। थैंक यू। कनौजिया ये एक खबरी है, समझ लो। ये खबरी है पुलिस का, और ये जो जैसे कि भी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड का, जैसे यहाँ बम्बई में अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितना भी अंडरवर्ल्ड है उसका अभी सफाया होते हुए आपने देखा, तो उसके लिए मैं जो खबर है, खबर पहुंचाने वाला एक खबरी वो अभिनय किया, कनौजी एक बेहतरीन किरदार है, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको देख। ये लखनऊ जंक्शन जो फिल्म है ये लखनऊ में पूरी शूट हुई है, और कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम लग गया है, बाकी जो है जो इसकी शूटिंग हुई है वो पूरे लखनऊ में हुई है, और एक क्राइम बेस पे हुई है, जो वहाँ की सरकार थी अभी पिछले 5 साल से पूरा हो गया समय, जो उन्होंने वहाँ से माफियाओं का सफाया किया है सरकार ने, उसी के आधार पर ये लखनऊ जंक्शन फिल्म की कहानी बनाई गई है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और कि इस फिल्म को देखें। मैं रज्जन सिंह यादव, प्रोड्यूसर लखनऊ जंक्शन। 28 जनवरी लॉक किया है और ऑल इंडिया बॉम्बे छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो देखा है तो मेरा किरदार इसमें एसपी का है, पुलिस वाले का किरदार है, बहुत ही ईमानदार और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है, और लखनऊ में जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसके बेस पे फिल्म बनाई है। इसके राइटर और डायरेक्टर विजय पाल जी हैं, हमारे रज्जन यादव प्रोड्यूसर हैं, और विजय पाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेंजर के साथ, एडिटर भी वही हैं, तो मुझे जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी ऑडियंस जो भी हमारी है वो जाके फिल्म देखे। फिल्म में मैंने एक आइटम सॉन्ग किया है सपना जी के लिए, सपना चौधरी जी के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको बहुत बेहतरीन लगेगा। इसमें एक सिंगर है जो लंदन बेस है, निशी मल्होत्रा जी, और साथ में उनके विजय मालिया। लखनऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा विषय को लेके क्राइम कंट्रोल के सिलसिले में पिक्चर बनाया गया है। मैं विजय पाल जी, और सबसे अट्रैक्टिव इसमें हीरो भी बहुत पुलिस इंस्पेक्टर का काम किया, और एक मेरा मित्र है वो खबरी का काम किया है इसमें, और वो खबरी का काम ही है कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है, कहाँ पर कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी जानकारी पुलिस को देना।
तो मेरा मित्र ताहिर कमाल खान बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, ट्रेलर में देखा और मैं उसके मूवी का हल्का झलक भी देखा हूँ। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पूरे टीम ने ये एक बहुत बड़ा बड़े पर्दे का मूवी बनाया है और इसमें योगी जी का जो सोच है उसको दर्शाया गया है, क्राइम फ्री लखनऊ, इसीलिए मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस फिल्म के अंदर जो स्पेशल टीम है हमारे एसपी जो फिल्म के हीरो हैं केशव अरोड़ा जी, उनके साथ एक स्पेशल किरदार कर रहा हूँ। मेरे किरदार का नाम है शुक्ला जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किरदार है, आपको जब फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। और मैं अपने ही डिपार्टमेंट से गद्दारी करता हूँ और अंजाम मेरा देखने लायक है। आप सबको उम्मीद करता हूँ कि मेरा रोल पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। कहानी एक क्राइम बेसिस कहानी है, हमारे मन दिल में एक आइडिया आया, एक सोच आया कि हमको कुछ लखनऊ पे काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ और अधिकतर वहाँ पर क्राइम बहुत हुआ करता था, तो हम छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। मुझे लगा कि इस पर मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो मैंने एक आइडिया लिया, फिर उसको डेवलप किया हमने पूरी टीम के साथ डेवलप करके, और उसको प्रोड्यूसर से हम मिले, प्रोड्यूसर को हमने आइडिया सुनाया, उसको अच्छा लगा तो हम उस पर काम करना स्टार्ट किए, और उसका रिजल्ट आज है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सिनेमा हॉल में फिल्म ये 28 जनवरी को रिलीज हो रही है। सर, मैं इसमें एसटीएफ टीम का पार्ट हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर, और ये एक बहुत अच्छी मूवी है। एंड थैंक्स टू मिस्टर रजन सिंह यादव प्रोड्यूसर, जिन्होंने ये पिक्चर बनाई और हम सब कलाकारों को मौका दिया जीवन में कुछ करने का। इस पिक्चर में हमने क्राइम की स्टोरी को शो किया है कि कैसे हमने क्राइम को कंट्रोल करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। एक एसटीएफ टीम जो क्राइम को कंट्रोल करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस मूवी में हमने उसको दिखाया। और मैं दोबारा फिर शुक्रिया अदा करूँगा मिस्टर रजन सिंह यादव का, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया और हम सब कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मौका दिया। और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि सब लोगों को अच्छा काम मिले और आगे वो अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट बना सके। सर, मैं लखनऊ जंक्शन से जुड़ा था अपने मित्रों के थ्रू, और इसको हमने लखनऊ में शूट किया था। वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, सब लोग एक जगह मिले, एक जगह खाना पीना, बहुत अच्छी शूट हमने वहाँ पे किया। और उम्मीद है आप लोगों को पिक्चर ज़रूर पसंद आएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखें। वही ट्रेलर बहुत अच्छा है, और मैं बताऊँ आपको, मैं लखनऊ से ही हूँ और ये विजय पाल जी मुझे कुछ दिनों पहले मिले, हम लोग एक काम साथ में कर रहे हैं। उन्होंने बोला आज ऐसा एक इवेंट है हमारा, एक तो लखनऊ जंक्शन, चूँकि लखनऊ से हूँ तो नाम ने मुझे अट्रैक्ट किया, प्लस विजय पाल ने मुझे एक कहानी पिछले दिनों सुनाई जो राइटर होने के बावजूद मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं इनके लिए यहाँ पर आया और लखनऊ ने मुझे अट्रैक्ट किया माया। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है पूरी टीम का जो मुझे दिखा फिल्म में, अच्छे किरदार है फिल्म में, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है एज ए डायरेक्टर विजय पाल ने दिया है। दूसरे से ये है कि कम संसाधनों के बाद अगर एक टीम इस तरह का एक भव्य फिल्म बना सकती है तो मैं बड़ी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं फिल्म का होगा लेकिन टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग फिल्म है और चरित्र बहुत अच्छे लगे। और आज वर्तमान का विषय मुझे लगता है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को और विजय पाल निर्देशक साहब को, और आप सबको धन्यवाद करूंगा कि ऐसी फिल्मों को थोड़ा सा अच्छे से इन्हें थोड़ा केयर करें आप सब लोग मिलकर के। बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम दुबे और हमारे चैनल भोजपुरिया मुंबई संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए लाल बटन को दबाएं।